हेलो हेलो हेलो, हम हैं भुक्कड़। अब मुझे लग गई है भूख और टाइम, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। अभी हाँ, तो मैंने इससे बोला है कि कुछ बनाते हैं और खाते हैं। जैसे कि आपने शॉर्ट्स पे देखा ही होगा मैं कि बहुत मिड भुक्कड़, नाइट क्रेविंग्स जो होती है वो मुझे कम, इसे ज्यादा होती बहुत हैं। ज्यादा मैं काम कर रहा था अभी तक, तो अभी मुझे अचानक भूख लग गई है। तो अब मैंने इससे बोला है कि कुछ बना। अब ये कह रही है कि लेट्स सी कि ड्रॉअर में क्या पड़ा है, चलिए देखते हैं। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को टाइम भी दिखाता हूं कि टाइम क्या हो रहा है। ये देख लो टाइम कि क्या टाइम हो रहा है। और ये ढूंढ रही है मेरी सैनी कि क्या पड़ा है उसके ड्रॉअर में। ये नहीं, ये तो बहुत हॉट है, चलिए देखते हैं उसको क्या मिलता है। तो उसके ड्रॉअर में निकले हैं ये रेमन, ये हैं फायरी चिली नूडल्स। इतने चिली खाने हैं या और ज्यादा चिली नहीं, खाऊं? और चिली नहीं, रात को इतनी ज़्यादा चिली ठीक है भाई, इससे ज़्यादा चिली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो इन्होंने पानी कर रखा है गरम पहले से इलेक्ट्रिक केटल में, और अब ये डाल रहे हैं इसको पैन में। ये पानी में आ गया है उबाल और नूडल रहे हैं फुल। देख लो कितने रेड है। फायरी हॉट, बस तुम्हारी तरह। और ये नूडल गए पानी में। मेरी तीखी सैनी बना रही है तीखे नूडल और डाल रही है उसमें मसाला। लगता है ये तुमसे भी तीखे होने वाले हैं। Let's try. देखिए जब तक ये नूडल्स बन रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट नूडल कौन सा है। ये लग रहा है इसमें ढक्का, क्योंकि कहीं इसका फ्लेवर उड़ ना जाए। ये नूडल उबल रहे हैं, चलिए जरा पास जाकर देखते हैं कि ये कैसे उबल रहे हैं। ये तो अभी से यम्मी लग रहे हैं। अब खुल रहा है इसका ढक्कन, क्या खुशबू आई है ढक्कन खुलते ही। तैयार है सूपी। देखिए ये हो रहे हैं सूपी नूडल, क्योंकि सोनी को पता है मुझे पसंद है थोड़ा सा सूपी नूडल्स। अभी इसमें एक चीज और डालने वाली है, क्या आप गैस कर सकते हो। ये हो गए हैं तैयार और गैस हो रही है बंद। अब देखिए सर्व भी जो है मेरी सैनी थोड़ा अपने स्टाइल में करती है। ये देखिए ये टोंग्स का इस्तेमाल कर रही है। ये अब आ गया सूप के लिए। ये देखिए ये है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जो लास्ट में डल रहा है। सर्व हो चुके हैं बोल में और अब ये आ गए हैं बॉइल्ड एग्स। यम्मी, मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है अभी से। चलिए अब करते हैं इसको टेस्ट। पहले मैं सूप टेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा है सच में। आप लोगों ने अगर ये ट्राई नहीं कर रखा है तो मैं कहूंगा कि आप इसको ट्राई करिए, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। ये जब आप खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। और हाँ,
खाएं वही लोग जिनको थोड़ा सा तीखा पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा तीखा है। चलिए अब देखते हैं कि इसका नूडल कैसा है। और ये लिया मैंने नूडल, बहुत गर्म है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये नूडल बहुत डिलीशियस है। आपको ना एक टॉप रेमन में वैसे मैंने गौर किया है कि एक मीठापन सा लगता है नूडल्स में, बहुत ही अच्छा। अब देखिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, जो हमारा एग था, वो उसको जब हम इसके सूप में भिगा के इसको लेते हैं, फ्लेवरफुल एग, मजा आ गया। मैंने अपने एग का लास्ट पीस रखा हुआ है पूरी तरह से सूप में भिगाने के लिए, क्योंकि जो योक होता है ना, वो जब ये इसको सूप को पी लेता है बिल्कुल, तो सारे फ्लेवर्स उसमें आ जाते हैं और फिर जो मज़ा आता है ना उसको खाने का, वाओ। अब नूडल हो गया है मेरा पूरा ख़त्म, बचा ये मेरे एग का पीस। अब मैं इसे खाऊंगा और देखता हूँ कि ये कैसा है। यम्मी। मुझे एक तो एग वैसे ही पसंद है, ऊपर से इसमें इतने फ्लेवर्स आ गए हैं, आह मजा आ गया। देखिए फायरी नूडल तो हो गया ख़त्म, मगर इसको वही लोग ट्राई करें जिनकी जलती कम है। अब अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे खानों के रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और गारंटी देता हूँ खाऊंगा मैं, मगर पेट आपका भर जाएगा। तो चलिए लाइक कर लीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैंने पूछा था कि नूडल आपका फेवरेट कौन सा है।